वेलकम टू मनीष एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो एसआई मात्रा का। किसी भी चीज का एसआई मात्रा क्या होता है, जैसे में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने इसे बनाया है। आपको देखा दिखा दिया है क्रमांक संख्या, भौतिक राशि, एसआई मात्रक और एसआई मात्रक के लिए संकेत, ये हमने बनाया है और इस पर हमने चर्चा करेंगे, देखेंगे किसका क्या होता है। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है दोस्त, मीटर स्क्वायर। इसको संकेत में क्या लिखते हैं, एम का स्क्वायर यानी एम का पावर 2, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आयतन, आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है, आयतन का एसआई मात्रक होता है मीटर का क्यूब। आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड, मीटर क्यूब, यानी कि हम इसे संकेत में क्या लिखते हैं, एम का क्यूब। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड तीसरा घनत्व, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब। क्या लिखे हैं, किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब। इसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या पढ़ेंगे, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि केजी मीटर माइनस क्यूब, वहां पे देखे दिखा दिए हैं कि केजी प्रति मीटर क्यूब। क्या दिखाए फ्रेंड, केजी प्रति मीटर क्यूब दिखा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वेग या चाल, वेग या चाल यानी कि दोनों का मात्रक एक ही होता है, यानी वेग का और चाल का एसआई मात्रक दोनों का क्या होता है फ्रेंड, एक ही होता है। ठीक है, तो हमने वेग का एसआई मात्रक पढ़ा, तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड यानी क्या लिखा है, मीटर सेकंड के पावर माइनस वन लिखा है, एक मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड। और चाल का भी, चाल का भी एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड लिखा जो यहाँ पर दिखा दिया है। त्वरण, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड त्वरण, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड मीटर सेकंड के पावर माइनस 2, यानी कि यह है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मीटर एस यानी कि एम एस के पावर माइनस 2, यहाँ पे दिखा दे मीटर प्रति सेकंड। ये फ्रेंड देखिए गुना में है, इधर माइनस में हो जाता है, और जैसे ये भागा माता यानी कि बाटा माता है तो प्लस में आ जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है फ्रेंड बल, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, बल का एसआई मात्रक क्या होता है न्यूटन, इसका संकेत क्या होता है एन, इसका संकेत होता है एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड के पावर माइनस 1, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड के पावर माइनस 1, क्या है किलोग्राम मीटर सेकेंड के पावर माइनस 1, यानी कि होगा फ्रेंड इसको केजी एम एस के पावर माइनस 1, केजी एम एस के पावर माइनस 1 यानी कि केजी प्रति मीटर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, सॉरी सेकेंड स्क्वायर नहीं है फ्रेंड, केजी मीटर, केजी प्रति मीटर सेकेंड है। आगे क्या है फ्रेंड, आठवां कार्य, कार्य या ऊर्जा, यानी कि आप इस तरह में दिखा जा, कार या ऊर्जा, कार और ऊर्जा का एसआई मात्रक दोनों का एक ही होता है, इसलिए दोनों का एक साथ लगा है, यानी कार का एसआई मात्रक और जूल का ऊर्जा का एसआई मात्रक एक ही होता है। कार का एसआई मात्रक का फ्रेंड जूल, कार का एसआई मात्रक जूल है, समय कैसे दिखाते हैं जे से, उसी तरह से ऊर्जा का एसआई मात्रक का होता है फ्रेंड जूल, यानी कि उसको क्या दिखाते हैं जे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड शक्ति, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट वाट, शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, इसे क्या से दिखाते हैं फ्रेंड, तो डब्ल्यू से, इसे क्या से दिखाते हैं डब्ल्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड दाब, दाब का एसआई मात्रक क्या है पास्कल, दाब का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड पास्कल, तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो गया, इसमें क्या दिखाते हैं पी एस ए, क्या दिखाते हैं पी एस ए। ठीक है फ्रेंड, दाब, दाब हमें बहुत मस्ट क्वेश्चन है, बहुत मैंने इतना अति आवश्यक क्वेश्चन है कि क्या बताएं, बहुत आवश्यक क्वेश्चन है, जैसे कि आप नेवी में जाइएगा, ग्रुप डी में जाइएगा, एनटीपीसी में जाइएगा, तो इसका क्वेश्चन अक्सर देखने का मौका मिलता है। 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड, तो बल आघूर्ण का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर, क्या है न्यूटन मीटर, इसको संकेत करते हैं एन एम से, इसको संकेत क्या करते हैं एन एम से। अगला है 12वां क्वेश्चन है ऊष्मा का परिमाण, ऊष्मा का परिमाण का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड जूल, ऊष्मा का परिमाण का एसआई मात्रक क्या है जूल, इसे क्या दिखाते हैं जे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ऊष्मा धारिता, ऊष्मा धारिता का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड जूल केल्विन माइनस 1, यानी कि जूल केल्विन माइनस 1, यानी कि इसको क्या लिखा है जे के पावर माइनस 1, यानी कि जे प्रति के, यानी कि जूल प्रति केल्विन। 14वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आवृत्ति, आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, क्या होता है हर्ट्ज, यानी कि इसको क्या से दिखाते हैं हम लोग एच और जेड से, इसको हम लोग क्या से दिखाते हैं एच और जेड से।
बस फ्रेंड आज इतना ही इस चैप्टर में, यानी कि इस वीडियो में। अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे विनिमय सूत्र का। अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग फ्रेंड विनिमय सूत्र का। आज इतना ही, फिर हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, एक बात आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंचे। और फ्रेंड लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड।